हेलो फ्रेंड्स, बायोबिट अभी चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और मेरा नाम है अभिषेक। हमारा चैप्टर 2 चल रहा था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और हम बात कर रहे थे बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया से रिलेटेड मैंने आपको सभी बातें बता दी है। यदि आप नए व्यूअर्स हैं तो जाके आप पहले उस वीडियो को देख लें। केवल बात कहने की क्या रह गई थी, पैरासिटिक बैक्टीरिया के बारे में। आज हम पैरासिटिक बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे। देखिए, पैरासाइट क्या होता है। पैरासाइट वो होता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड को ग्रहण करे, लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड को ले और लिविंग को नुकसान भी पहुंचाए। नुकसान का मतलब क्या है कि उसको डिजीज काज करते, डिजीज काज करते मतलब लिविंग से फूड भी ले और लिविंग को डिजीज भी काज करते, उसे नुकसान भी पहुंचाए। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया एनिमल्स के केस में भी पैरासाइट है और प्लांट्स के केस में भी पैरासाइट है। चलिए कुछ बैक्टीरिया के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पैरासिटिक एनिमल। बात चल रहा है हमारा पैरासिटिक बैक्टीरिया के बारे में। पैरासिटिक एनिमल जो हम लोगों में है, पहला क्या है, कॉलेरा। आप जानते हैं कॉलेरा क्या है, डिजीज है। ये कास्ट होती है विप्रियो कॉलेरी से, विप्रियो कॉलेरी से। इसको हम याद कैसे रख सकते हैं, देखिए हमने आपको बैक्टीरिया के चार शेप बताए थे। हमने कहा था कि जो कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया होता है उसको हम बोलते हैं विब्रियो। बताया था जो कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया होता है उसको हम बोलते हैं विब्रियो। तो सी से कॉमा, कॉमा कॉलेरा, कॉमा कॉलेरा। तो ऐसे याद कर लेंगे कि कॉलेरा में कौन सा डिजीज काज करता है, तो कॉमा वाला बैक्टीरिया होता है, मतलब विब्रियो और कॉलेरी तो आई है। ठीक है, याद हो जाएगा। दूसरा है टाइफाइड, दूसरा है टाइफाइड और यह काज करता है साल्मोनेला टाइफी। टाइफाइड डिजीज काज करता है कौन सा बैक्टीरिया, साल्मोनेला टाइफी। देखिए टाइफाइड क्या है, टाइफाइड एक बुखार ही तो है, एक फीवर ही तो है। तो भाई जब फीवर होता है तो हम लोग को किसी से बात करने का मन नहीं करता है, मन कहता है कि एकांत में हम लोग बैठे रहे, अकेले बैठे रहे। मतलब जब फीवर हमको आता है तो हम लोग बहुत शर्मीले हो जाते हैं, किसी ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं। तो वो देखिए, तो बताने के लिए बता दिया कि टाइफाइड में कौन सा है, साल्मोनेला। शर्मीले हो जाते हैं तो साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, शर्मीले हो जाते हैं तो साल्मोनेला टाइफी काज करता है क्या, टाइफाइड। फिर भैया टिटनेस, भैया टिटनेस आप लोग जानते होंगे, जब कभी आप लोग लोहे से कट जाते हैं, आयरन से कहीं पे आपको खरोच लग जाती है तो टिटनेस का इंजेक्शन लगता है ताकि आपको टिटनेस ना होने पाए। ठीक है, तो ये जब इंजेक्शन लगता है तो आप लोगों को क्या होता है, अच्छा लगता है या खराब लगता है? आप लोगों को खराब लगता है, आप लोगों को कष्ट होता है, दुख होता है। तो यहां से देखिएगा कि टिटनेस, टी से टिटनेस, और जब टिटनेस की सुई लगेगी तो आपको क्या होगा, कष्ट होगा। मतलब टिटनेस कौन काज करता है, क्लॉस्ट्रिडियम टिटैनी। ठीक है, टिटनेस कौन काज करता है, क्लॉस्ट्रिडियम टिटैनी। समझ में आ गया। अगला लोग जानते हैं, देखिए जो ये तीन है, कॉलेरा, टाइफाइड और टिटनेस, ये हमारी बुक में दिए हुए हैं। तो ये तीनों ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं, बाकी इनको भी आप याद कर रख सकते हैं। एक है ट्यूबरक्लोसिस, जिसको हम बोलते हैं टीबी, इसको हम बोलते हैं टीबी। ये काज होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से। फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग मतलब तो खाना जो हम खाए हैं वो स्टोमक में जाके जहर बन जाए, तो फूड पॉइजनिंग के लिए कौन सा है, क्लॉस्ट्रिडियम बॉटुलियम, क्लॉस्ट्रिडियम बॉटुलियम। तो ये बात हो गई पैरासिटिक एनिमल्स में, जो बैक्टीरिया पैरासाइट है एनिमल्स में। अब बात करते हैं पैरासिटिक इन प्लांट्स, पैरासिटिक इन प्लांट्स। तो पहला है भैया, प्लांट में रोग होता है सिट्रस कैंकर। सिट्रस जानते हैं, नींबू को बोलते हैं, नींबू को। तो सिट्रस कैंकर ये रोग कौन सा बैक्टीरिया काज करता है, जैंथोमोनास सिट्राइन। जैंथोमोनास सिट्राइन नाम का एक बैक्टीरिया है जो काज करता है सिट्रस कैंकर।
जैंथ्रोमोनास से रिलेटेड एक और है बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ पैडी, बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ पैडी या राइस, ये कौन काज करता है? जैंथ्रोमोनास ओराइजी। आप जानते ही हैं जो राइस होता है उसका बोटनिकल नाम क्या है, क्या है? ओराइजा सटाइवा। तो वही वहीं से आया है ओराइजी, मतलब पैडी में जो है डिजीज काज कर रहा है इसलिए ओराइजी। पूरा नाम क्या है? बैक्टीरिया ब्लाइट ऑफ पैडी या राइस। कौन सा बैक्टीरिया काज करता है? जैंथ्रोमोनास ओराइजी। ठीक है, जैंथ्रोमोनास से दो थे और एक है क्राउन गाल डिजीज। क्राउन गाल डिजीज आप लोग के बुक में दी हुई है, एनसीईआरटी सेकंड में दी हुई है, जेनेटिक इंजीनियरिंग वाले चैप्टर में। तो अब यही पे भी याद रख सकते हैं कि क्राउन गाल डिजीज कौन काज करता है? एग्रोबैक्टीरियम प्यूमीफेसियंस। क्राउन गाल डिजीज कौन काज करता है? एग्रोबैक्टीरियम प्यूमीफेसियंस। इसमें ये सिस्टस टैंकर और क्राउन गाल, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ समझाने वाला साहब नहीं था, मैंने आपको कुछ ट्रिक्स बताने की कोशिश जरूर की है ताकि आपको चीजें याद रह जाएं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कुछ यूजफुल बैक्टीरिया के बारे में जो हमारे लिए यूजफुल हैं। जैसे चीज आप लोग जानते होंगे पनीर या कर्ड, मतलब दही, इसको बनाने के लिए कौन सा बैक्टीरिया यूजफुल है, कौन सा बैक्टीरिया मदद करता है? उसका नाम है लैक्टोबैसिलस या स्ट्रेप्टोबैसिलस। चीज या कर्ड बनाने में कौन सा बैक्टीरिया यूज होता है, कौन सा बैक्टीरिया मदद करता है? लैक्टोबैसिलस या स्ट्रेप्टोबैसिलस। उसी के साथ विनेगर प्रोडक्शन, विनेगर प्रोडक्शन मतलब क्या? इसको हम लोग नॉर्मली सिरका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिरका। तो विनेगर प्रोडक्शन के लिए कौन सा बैक्टीरिया है? वो है एसिटोबैक्टर एसिटाइल, एसिटोबैक्टर एसिटाइल। और आप जानते ही हैं जो सिरका होता है साहब वो क्या होता है? वो एसिड ही तो होता है, तो एसिटोबैक्टर एसिटाइल। ठीक है, विनेगर प्रोडक्शन, ये हमने कुछ बात कर ली यूजफुल बैक्टीरिया के बारे में। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज करते हैं, नाइट्रेट में चेंज करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो नाइट्रोजन है, जिस फॉर्म में एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन पाई जाती है उस फॉर्म में प्लांट्स एब्जॉर्ब उसको नहीं कर पाते हैं, प्लांट नाइट्रोजन को लेते हैं नाइट्रेट के फॉर्म में। ठीक है, तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, उनके बारे में जान लेते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ये भी एक यूजफुल बैक्टीरिया है क्योंकि नाइट्रोजन फिक्स कर रहे हैं प्लांट के केस में, ये भी यूजफुल के अंदर आ जाएंगे। ऐसे नाम है एजेटोबैक्टर, ब्रिजरैंकिया और क्लेबसेला। ये साहब जितने हैं ये होते हैं फ्री लिविंग। फ्री लिविंग मतलब क्या? डायरेक्टली सॉइल में पाए जाते हैं, समझ रहे हैं ना, किसी प्लांट के अंदर नहीं पाए जाते हैं, सॉइल में जो है ये क्या करते हैं? सॉइल में ही नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और प्लांट उसका यूज करता है। एजेटोबैक्टर, ब्रिजरैंकिया और क्लेबसेला ये करते हैं एरोबिकली, ये करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, क्योंकि तो ये सारे कैसे हैं? ये सारे एरोबिक बैक्टीरिया हैं। कैसे बैक्टीरिया हैं? ये एरोबिक बैक्टीरिया हैं। ये ऑक्सीजन अपने जो इनका अपने रिस्पायरेशन के लिए इनको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ये एरोबिक बैक्टीरिया है एजेटोबैक्टर, ब्रिजरैंकिया और क्लेबसेला। ठीक है, दूसरा है रोटोस्पाइरोलम और क्लॉस्ट्रिडियम। ये साहब कैसे हैं? ये एनएरोबिकली नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और ये जितने भी एग्जांपल क्या हैं, ये क्या है? ये फ्री लिविंग वाले हैं, ये फ्री लिविंग वाले हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन के थ्रू नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। हमने आपको कहा था कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या होता है? एक फ्रेंड टाइप का रिश्ता। कैसा रिश्ता होता है? एक फ्रेंड टाइप का, एक दोस्त टाइप का, मतलब कुछ मदद एक करेगा कुछ मदद एक करेगा। ठीक है, दोनों को फायदा होता है, यानी बैक्टीरिया को भी कुछ फायदा होगा और जो प्लांट है उसको भी फायदा होगा।
मान लो सिम्बायोटिकली कोई बैक्टीरिया किसी प्लांट में रह रहा है, तो बैक्टीरिया तो उस प्लांट से क्या लेता है, फूड लेता है, और बदले में उसके लिए क्या करता है, उसके लिए एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट के फॉर्म में फिक्स करता है, और उस नाइट्रोजन का उपयोग कौन करेगा, प्लांट करेगा, मतलब दोनों को फायदा। तो सिम्बायोटिकली नाइट्रोजन फिक्सर कौन से हैं, ये तो आप बहुत ही क्लासिकल एग्जांपल है, दोनों आपके जवान में याद होंगे। एक है राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम, राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम ये फिक्स करते हैं लेग्यूम्स प्लांट में, और दूसरा है फ्रेंकिया, ये बिल्कुल फ्रैंक है, इसको आप याद करिएगा। सिम्बायोटिकली नाइट्रोजन फिक्सर कौन से है, ये तो क्लासिकल एग्जाम्पल है, हो सकता है आपको याद ही हो, राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम और दूसरा फ्रेंकिया। इसके अलावा कुछ होते हैं अमोनीफाइंग बैक्टीरिया, कुछ होते हैं अमोनीफाइंग बैक्टीरिया, ये क्या काम करते हैं, ये रिसाइकलिंग का काम करते हैं, ठीक है, ये रिसाइकलिंग का काम करते हैं, ये अमोनिया को फिर से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल है बैसिलस रैमोसस, बैसिलस उलगैरिकस और बैसिलस माइकोइडिनिस, सारे बी से हैं, सारे बी से हैं, बैसिलस बैसिलस बैसिलस, और एक फार्मूला होता है फिजिक्स में MVR, किसी का होता है मुझे ध्यान नहीं है, MVR कोई फार्मूला होता है, तो M से माइकोइडिनिस, B से उलगैरिकस और R से रैमोसस, ठीक है, बैसिलस रैमोसस, बैसिलस उलगैरिकस और बैसिलस माइकोइडिनिस। देखिए हो सकता है ये यहाँ पे कुछ खास बताने वाला आपको समझाने वाला नहीं है, यहाँ पे आपको रटना ही पड़ेगा, इसके लिए आप कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है, तो बोर मत होइए, इसको आप लोग रट लीजिए, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखिए मैंने आपको मोनेरा में बताया था बैक्टीरिया आता है, आर्की बैक्टीरिया आता है, साइनो बैक्टीरिया आता है और माइकोप्लाज्मा आता है। हमने आपको आर्की बैक्टीरिया के बारे में पहले ही बता दिया है और हमारा बैक्टीरिया वाला टॉपिक भी यहाँ पे आके खत्म हो जाता है। अब बचता है साइनो बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा, तो साइनो बैक्टीरिया को हम इस क्लास में कंडक्ट करेंगे और अगले क्लास में माइकोप्लाज्मा के बारे में बात किया जाएगा। साइनो बैक्टीरिया पहली बात तो साफ मोनेरा का मेंबर है, तो प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर साइनो बैक्टीरिया भी रहेगा, क्योंकि ये किंगडम मोनेरा का करेक्टरिस्टिक फीचर है। अगर प्रोकैरियोटिक सेल है तो जाहिर सी बात है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहेगी। दूसरी बात, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, जितने भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं एब्सेंट रहेंगे, ठीक है। तीसरी बात, बताया था मैंने कि बैक्टीरिया के केस में बैक्टीरिया को मूव करने के लिए, बैक्टीरिया में लोकोमोशन होने के लिए फ्लैजेला पाया जाता है, कुछ बैक्टीरिया में फ्लैजेला पाया जाता है जिसमें 9+2 अरेंजमेंट नहीं रहता है, एब्सेंट रहता है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल के फ्लैजेला में 9+2 अरेंजमेंट नहीं पाया जाता है, ठीक है। लेकिन जो साइनो बैक्टीरिया है साहब, जो साइनो बैक्टीरिया है, इसमें पूरे साइनो बैक्टीरिया में आपको कहीं पे भी कोई लोकोमोटरी स्ट्रक्चर दिखाई नहीं पड़ेगा, मतलब फ्लैजेला कंप्लीटली एब्सेंट होता है, फ्लैजेला कंप्लीटली नहीं पाया जाता है। ये एक सेल के तो होते हैं साहब, यूनिसेलुलर तो है, लेकिन ये क्या रहते हैं, कोई 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 साइनो बैक्टीरिया कैसे हैं, वो कैसे हैं, जैसे कि मैंने आपको बैक्टीरिया में शेप बताया था कि गोल गोल होते हैं, रॉड शेप होते हैं, कॉमा शेप होते हैं, स्पाइरल होते हैं, तो ऐसे ही इसमें भी कुछ साइनो बैक्टीरिया कैसे होते हैं, फिलामेंटस मतलब थ्रेड लाइक होते हैं, धागे नुमा होते हैं। कुछ साइनो बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कॉलोनी में रहते हैं, मतलब एक सेल तो उनकी एक ही है, सेल तो उनकी एक ही है, लेकिन बहुत से साइनो बैक्टीरिया इकट्ठा हुए और एक साथ में रहने लगे, उसको हम बोलते हैं कि एक कॉलोनी बना के रहते हैं। जब कॉलोनी बना के वो लोग रह रहे हैं तो उनकी कॉलोनी के चारों तरफ एक प्रोटेक्शन कवरिंग हो जाती है, एक
उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक आवरण हो जाता है जो बना रहता है जिलेटिनस शीट का। इसका बना रहता है, वो बना रहता है जिलेटिनस शीट का। ठीक है, देखिए जो मोनेरा हमने बताया था, हमने कहा था कि यहां पे अगर सलवाल पाई जाती है तो सलवाल किसकी बनी रहती है, पेप्टाइडो ग्लाइकॉन की बनी रहती है। तो साइनोबैक्टीरिया में भी जो इनकी सलवाल है वो पेप्टाइडो ग्लाइकॉन की ही बनी रहती है, लेकिन वो फोर लेयर होती है, चार लेयर होती है, सलवाल की चार लेयर होती है, ये इसका स्पेशल है। बनी पेप्टाइडो ग्लाइकॉन की रहती है लेकिन फोर लेयर होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो साइनोबैक्टीरिया में है वो ये है, देखिए मैंने आपको बैक्टीरिया में बताया था कि कुछ बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक होते हैं, और उसमें अगर फोटोसिंथेटिक है तो कोई ना कोई पिगमेंट भी पाया जाएगा, जैसे कि बैक्टीरियो वर्डिन पाया जा रहा था ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में, और बैक्टीरियल परक्यूरिन पाया जा रहा था पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में। वहां पे मैंने आपको कहीं पे भी क्लोरोफिल शब्द का जिक्र नहीं किया था, क्योंकि बैक्टीरिया में क्लोरोफिल बिल्कुल एब्सेंट रहता है। लेकिन जो साइनोबैक्टीरिया है ये भी ऑटोट्रॉफिक होता है, ठीक है, इसमें भी पिगमेंट पाया जाता है, लेकिन इसमें पिगमेंट कौन सा पाया जाता है, क्लोरोफिल ए पाया जाता है। मैं आपको बता दूं कि जो क्लोरोफिल ए है ये यूनिवर्सल पिगमेंट है, क्लोरोफिल ए यूनिवर्सल पिगमेंट है, मतलब जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं, एल्की हो, ब्रायोफाइटा हो, ट्रेडोफाइटा हो, जिम्नोस्पर्म हो, एंजियोस्पर्म हो, क्लोरोफिल ए तो सभी में पाया जाता है, क्लोरोफिल ए सभी में पाया जाता है। और साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, इसलिए इसमें भी क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल ए पाया जाता है, एक बात। और दूसरी बात, इसके अलावा भी पिगमेंट पाए जाते हैं फाइकोबिलिन्स पाए जाते हैं। ये पिगमेंट मैं आपको बता दूं, ये होता है वाटर सॉल्युबल होता है, ये वाटर सॉल्युबल होता है, पानी में ये पिगमेंट घुल जाता है। बैक्टीरिया के केस में मैंने आपको बताया था कि सबका कुछ ना कुछ रिजर्व फूड रहता है, जैसे हम लोगों में ग्लाइकोजन है और प्लांट्स में क्या है, स्टार्च है। अब देखिए साहब, प्लांट में स्टार्च रिजर्व फूड रहता है तो वहां पे क्लोरोफिल ए पाया जाता है, जब इसमें भी क्लोरोफिल ए पाया जा रहा है तो यहाँ पे भी जो रिजर्व फूड मटेरियल हो जाता है वो हो जाता है स्टार्च। लेकिन भैया साइनोबैक्टीरिया है इसलिए हम दे देते हैं कि यहाँ पे स्टार्च कैसा होता है, साइनोफाइसियन स्टार्च होता है, कैसा होता है, साइनोफाइसियन स्टार्च होता है। जैसे लेकिन बैक्टीरिया में क्या था, बैक्टीरिया में दूसरा था, बैक्टीरिया का जो रियल फूड था वो क्या था, वो दूसरा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, वो है साइनोफाइसियन स्टार्च। वहां पे क्या था, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। बैक्टीरिया के केस में जो रिजर्व फूड मटेरियल था वो था पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, लेकिन यहाँ साइनोबैक्टीरिया के केस में क्या हो जाता है, साइनोफाइसियन स्टार्च। अब हम शुरू करते हैं। पहली बात, साइनोबैक्टीरिया क्या है, मैंने आपको बता दिया प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर होते हैं, प्रोकैरियोटिक एक सेल के बने होते हैं, मतलब यूनिसेलुलर होते हैं। और ये पाए कहाँ जाते हैं, ये फ्रेश वाटर होते हैं, फ्रेश वाटर मतलब नदी नाले तालाब में, पॉन्ड में, लेक में, या मैराइन मतलब सी वाटर में, ओशियन में, या टेरिस्ट्रियल मतलब जमीन पे, ये इनके पाए जाने का वो है। कुछ फ्रेश वाटर है, कुछ मैराइन है, कुछ टेरिस्ट्रियल है। प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर तो सारे के सारे हैं, जितने भी मोनेरा वाले हैं। यूनिसेलुलर का आप जब एक एग्जाम्पल याद रखिएगा, क्या स्पाइरुलिना, हमने कहा था कि कुछ इसमें कॉलोनी बना के रहते हैं, जिसके चारों तरफ एक कवरिंग हो जाती है। तो कॉलोनी में कौन कौन सा साइनोबैक्टीरिया रहता है उसका एग्जाम्पल है, पहला है एनाबेना और दूसरा है माइक्रोसिस्टिस।
देखिए यहाँ पे माइक्रोसिस्टिस लिखा हुआ है, एक होता है मोनोसिस्टिस, मोनोसिस्टिस प्रोटोजोआ है, लेकिन जो माइक्रोसिस्टिस है ये क्या है, ये साइनोबैक्टीरिया है, ठीक है। इसके अलावा कुछ फिलामेंटस होते हैं, धागे नुमा होते हैं, उनका एग्जांपल क्या है, नॉस्टॉक, साइटोनीमा और ऑसिलिटोरिया। कुछ फिलामेंटस होते हैं, धागे नुमा होते हैं, उनका एग्जांपल है नॉस्टॉक, साइटोनीमा और ऑसिलिटोरिया। ऑटोट्रॉफिक तो होते ही है, अपना भोजन खुद बनाते ही है, तो कैसे है ये, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसाइजर होते हैं, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसाइजर होते हैं, मतलब ऑटोट्रॉफिक होते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं, क्योंकि क्लोरोफिल ए पाया जाता है। साइनोबैक्टीरिया में क्या पाया जाता है साहब, क्लोरोफिल ए पाया जाता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सबसे पहले क्लोरोफिल ए कहाँ पे आया, तो साइनोबैक्टीरिया में आया, कहाँ पे आया, साइनोबैक्टीरिया में आया, ठीक है। इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्लोरोफिल ए पाया जाता है कहाँ, साइनोबैक्टीरिया में। इसके अलावा वाटर सॉल्युबल पिगमेंट पाए जाते हैं, इसका नाम क्या है साहब, फाइकोग्लिंस नाम है, क्या नाम है, फाइकोग्लिंस नाम है। और रिजर्व फूड हमने आपको बता ही दिया था कि यहाँ पे जो रिजर्व फूड है वो क्या है, साइनोफाइसियन स्टार्च है साहब, क्या है, साइनोफाइसियन स्टार्च है। और स्टार्च क्यों हो गया, क्योंकि साहब यहाँ क्लोरोफिल ए के द्वारा जो है फोटोसिंथेसिस हो रही है, क्लोरोफिल ए के द्वारा फोटोसिंथेसिस हो रही है, तो भैया स्टार्च तो बनना ही बनना है, तो यहाँ पे साइनो बैक्टीरिया है, साइनोफाइसी के मेंबर है, तो साइनोफाइसियन स्टार्च। सेलवाल हमने आपको पहले ही बता दिया था कि साहब सभी मोनेरा की सेलवाल पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी हुई है, तो इसकी भी सेलवाल पेप्टाइडोग्लाइकॉन की ही बनी है, लेकिन फोर लेयर्ड होती है, सेलवाल बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकॉन की लेकिन फोर लेयर्ड होती है। और कॉलोनी के बारे में हमने आपको बता ही दिया है कि कॉलोनी के चारों तरफ एक क्या हो जाता है, कवरिंग हो जाती है, जिसको हम बोलते बनी किसकी होती है, जिलेटिनस शीट की बनी होती है, वो किसकी बनी होती है, जिलेटिनस शीट की बनी होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, यह बिल्कुल याद रखिएगा, साइनोबैक्टीरिया की जो कॉलोनी होती है वो जिलेटिनस शीट की बनी होती है। और जब साइनो और इसी शीट के कारण जब साइनोबैक्टीरिया किसी पॉन्ड या लेग में पाया जाता है तो उसको गंदा करता है, क्या करता है, उसको पॉल्यूटेड कर देता है, तो फॉर्म इसीलिए क्या, कॉलोनी सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीट एंड फॉर्म ब्लूम इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडी, ठीक है, एंड फॉर्म ब्लूम इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडी। जैसे हमने साइनोबैक्टीरिया में बैक्टीरिया को बताया था कि कुछ बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, ऐसे ही कुछ साइनोबैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, लेकिन जो साइनोबैक्टीरिया हैं इसमें जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है ये एक स्पेशल सेल में होता है, ये एक स्पेशल सेल में होता है, जिसको हम बोलते हैं क्या साहब, इसको हम बोलते हैं हेट्रोसिस्ट, इसको हम बोलते हैं हेट्रोसिस्ट, यानी कि साइनोबैक्टीरिया में जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है वो होता है स्पेशलाइज सेल में होता है, इसको हम बोलते हैं हेट्रोसिस्ट, इसको हम बोलते हैं हेट्रोसिस्ट। और इसका एग्जाम्पल क्या है, इसमें हेट्रोसिस्ट पाया जाता है, हेट्रोसिस्ट के द्वारा नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, तो है साहब एनाबेना एंड नॉस्टॉक, बहुत ही क्लासिकल एग्जांपल है, आप लोग जानते होंगे एनाबेना और नॉस्टॉक ब्लू ग्रीन एनबी या साइनोबैक्टीरिया के सबसे क्लासिकल एग्जांपल यही दोनों आते हैं, एनाबेना और नॉस्टॉक, तो इन्हीं दोनों में क्या पाया जाता है, हेट्रोसिस्ट पाया जाता है, ये एक स्पेशलाइज सेल होती है जहां पे नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। यहाँ हमने बताया है कि ये ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसाइजर होते हैं, मतलब कि जो साइनोबैक्टीरिया है ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करते हैं, रिस्पायरेशन करते हैं, लेकिन साहब जो हाइड्रोसिस्ट होता है ना ये स्पेशल क्यों है,
ये स्पेशल इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे हेट्रोसिस्ट में ऑक्सीजन एब्सेंट रहती है। हेट्रोसिस्ट में ध्यान रखिएगा हमेशा कि हेट्रोसिस्ट में ऑक्सीजन एब्सेंट रहती है, ठीक है, जिसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है साइनोबैक्टीरिया में। हमने आपको पहले ही बता दिया था कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जहां पे लोकोमोशन करने के लिए फ्लैजेला पाया जाता है, लेकिन फ्लैजेला के अगर आप टीएस काटेंगे तो 9+2 अरेंजमेंट एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है, लेकिन साथ साइनोबैक्टीरिया के केस में लोकोमोटरी स्ट्रक्चर कंप्लीटली एब्सेंट होता है, बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है, तो फ्लैजेला एब्सेंट थ्रू आउट देयर लाइफ। जो फ्लैजेला होता है वो जीवन में किसी भी इसके जीवन चक्र के किसी भी स्टेज में कोई भी लोकोमोटिव स्ट्रक्चर नहीं पाया जाएगा, एब्सेंट रहेगा। इसी के साथ जो हमारा साइनोबैक्टीरिया का टॉपिक है वो साहब खत्म हो जाता है और अब हमारा मोनेरा का केवल एक ही चीज बचा है, वो क्या है, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा और इसके बारे में बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करिएगा और अगर आप नए व्यूवर्स हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर अपकमिंग वीडियो। थैंक यू, टेक केयर।